वेलकम टू एलएमपी सेवाज एकेडमी। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इस चैप्टर के हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है। प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, जिसमें आपको LHS दे रखा है cos square 2x माइनस cos square 6x और RHS आपको दे रखा है sin 4x इंटू sin 8x। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना LHS ले लेता हूँ क्योंकि हमारा LHS से ज़्यादा काम बन जाता है, ठीक है ना। ठीक है, LHS मेरा क्या है, cos square 2x माइनस cos square 6x, ये मेरा लिखा हुआ है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा उस चीज़ को, ठीक। अब आपको ये कैसा नज़र आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। अगर आप ए कॉस 2x को ए मान लें और कॉस 6x को बी मान लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बहुत छोटे से क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दैट इज़ मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये देखिए कैसे लिखा हुआ, अगर मैं 2x को a मानूं एंगल और 6x को b मानूं तो ये भी आपका a हो जाएगा और ये भी आपका b हो जाएगा। क्या आपने फॉर्मूला याद किया है या पढ़ा है, कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला। कॉस a प्लस कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद होगा तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। मैं यहाँ एक बार आपको लिख के दिखाता हूँ, जिसको याद है वो स्क्रीन को पॉज करके अपने आप लिखिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं तो लिखवा ही रहा हूँ बट अपने आप कोशिश करिए, फिर आप मैच करिए आपका गलत है या सही है। चलिए अब आप लोगों ने लिख लिया होगा तो हम लोग देखते हैं, कॉस ए प्लस कॉस बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ये फार्मूला होता है। ये आपको याद था, जिसको याद था बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो अभी याद कर लीजिए, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन से ही फार्मूले सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ये फार्मूला कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूज़ करना फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, जिसको आता है अपने आप लिखिए, जिसको नहीं आता वो इधर देखिए। चलिए माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये होता फॉर्म। कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों प्लस में है, कॉस है तो बस टू कॉस, दोनों को एंगल को जोड़ के हाफ कर दीजिए, एक बार दोनों के डिफरेंस को हाफ कर दीजिए। फिर अगर कॉस ए माइनस कॉस बी तो सारा केस साइन में चला जाएगा, और माइनस टू साइन को ऐसी तरीके से एंगल को जोड़ के हाफ कर दीजिए और एंगल का डिफरेंस लेके हाफ कर दीजिए, एक बार आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल मुँह जवानी नहीं, आपको फार्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं। चलिए तो अब यहाँ पर फार्मूला हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला क्या बनता है, टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, मतलब 6x प्लस 2x, 8x बाई टू करेंगे तो 4x, दैट इज़ टू कॉस 4x इंटू कॉस ए माइनस बी। तो 2x माइनस 6x करोगे तो माइनस 4x अपॉन टू, तो माइनस 2x और माइनस कॉस माइनस क्या कर जाता है, खा जाता, तो सिंपली क्या जाएगा, कॉस 2x। समझ में आया, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया बट आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है पहले से, नहीं। चलिए अब कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई माइनस टू साइन ए प्लस बी, तो फिर से वही आ जाएगा आपका 4x, बट यहाँ पर कॉस आपका माइनस खा जाता है लेकिन साइन आपका माइनस नहीं खाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बट कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसीलिए यहाँ पर कॉस ऑफ माइनस 2x को हमने कॉस ऑफ 2x लिख दिया है, बट साइन ऑफ माइनस 2x के केस में हम लोग साइन ऑफ 2x नहीं लिख सकते, माइनस साइन ऑफ 2x लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही माइनस आएगा, माइनस माइनस आपका ये प्लस कर देगा और यहाँ आ जाएगा आपका साइन 2x, क्लियर है।
अब यहाँ पर मैन्यूपुलेशन है, सेम मैन्यूपुलेशन कैसे करेंगे। अब आप लोग एक फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो, साइन टू एक्स का फॉर्मूला। साइन टू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब यह एंगल डबल है तो यहाँ एंगल हाफ हो जा रहा है, क्लियर है ना। चलिए तो टू साइन फोर एक्स इंटू कॉस फोर एक्स ले लूँ, कोई गड़बड़ नहीं, इंटू टू साइन टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, कोई गड़बड़ की बात नहीं है, बिल्कुल है। अब देखिए आपका फॉर्मूला, टू साइन एक्स, अगर इसको मैं ए मानूँ तो टू साइन ए कॉस बी, तो क्या बन जाएगा, साइन टू एक्स है ना। देखिए ना ए है तो ये भी ए है, तो टू साइन ए कॉस ए, तो फॉर्मूला बन जाएगा साइन टू ए, तो साइन टू ए मतलब एंगल डबल, तो एंगल ये हो जाएगा एट एक्स साइन इंटू टू साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन टू एक्स कॉस टू एक्स, तो एंगल डबल हो जाएगा, तो आपका साइन फोर एक्स। देखिए आपका रिजल्ट क्या यही आया है, हाँ जी बिल्कुल यही रिजल्ट आपका आया, क्योंकि आपने कोई गड़बड़ नहीं करी, तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा और बहुत सही आएगा, बिल्कुल सटीक रिजल्ट आएगा। देखिए यही आपको प्रूफ करना था, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, जो कि हम लोगों ने कर दिया, और हर एक चीज़ को देखते हुए ये क्वेश्चन हमें क्या क्या सिखाना चाहता था, बहुत सारी चीज़ें इस बातें इसने सिखाई हमें क्वेश्चन ने। पहली बात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रिमाइंड कराए, वो हंसने वाली बात है, सबको याद होता है, ठीक है ना। दूसरी बात कॉस ए प्लस कॉस बी का इसने फॉर्मूला यूज़ करवाया, कॉस ए माइनस कॉस बी का इसने फॉर्मूला यूज़ कराया, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स का कंसेप्ट यूज़ कराया, कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स का इसने रिजल्ट यूज़ करवाया, और साइन टू एक्स का फॉर्मूला भी इसने यूज़ करवाया। देखिए एक क्वेश्चन में आपको कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं, इसीलिए कहता हूँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ़ बातें सीखेंगे आप, नंबर ऑफ़ फॉर्मूलेज आपको याद होंगे, पता चलेगा कैसे फॉर्मूला कहाँ पर यूटिलाइज़ करना है। फॉर्मूले का चार्ट तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन फॉर्मूले को यूटिलाइज़ करना वही सीख पाता है जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना, वो भी ईमानदारी के साथ अपने ही दम पर, हार नहीं माननी, क्वेश्चन करते रहना है। चलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया करके इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए अगर आपको किसी तरीके का भी डाउट है। चलिए धन्यवाद, सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एलएमपी सेवाज अकेडमी, जिसमें आपको इसी तरीके से लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।